दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर भारत की सबसे गंदी बस्ती किसे कहा जाता है, किस राज्य में एक भी रेलवे लाइन नहीं है, आखिर वैज्ञानिक कैसे समय जोन मापते हैं, यानी किस देश में अभी कितना बजेगा ये कैसे ज्ञात किया जाता है। मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिसके बाद आप यही कहेंगे वाव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है धारावी को एशिया की सबसे गंदी बस्ती कहा जाता है। धारावी मुंबई में है। यहाँ अगर आप पहली बार गए हों तो शायद रास्ता भी आप भटक जाएं, क्योंकि यहाँ बहुत संकरी तंग गलियाँ हैं। यहाँ के हालात को भारत सरकार आज़ादी के बाद से सुधारने में लगी है, पर आज भी कोई खास बदलाव नज़र नहीं आया। टूटी दीवारों और टूटी छत के दम पर जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं यहाँ के लोग। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के सिक्किम राज्य में एक भी रेलवे लाइन नहीं है। रेलवे लाइन ना होने का कारण यहाँ का पहाड़ी क्षेत्र है, और यही पहाड़ी इलाका इसकी खूबसूरती भी है। यहाँ पर अगर रेलवे लाइन बनाया भी जाए तो उसके लिए बहुत खर्चा आएगा और नेचर को काफ़ी नुकसान पहुँचाएगा, इसीलिए सरकार यहाँ पर रेलवे लाइन नहीं बना रही है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि वैज्ञानिकों की एक स्टडी के अनुसार पृथ्वी में प्रतिदिन हजारों बार आसमानी बिजली गिरती है। यह घटनाएं सागरों, महासागरों या घने बरसाती जंगलों में अक्सर होती ही रहती हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आपको पता है भारतीय मानक समय व समय जोन कहाँ से लिया गया है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। भारतीय मानक समय व समय जोन इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से लिया गया है। यह समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। मतलब ग्रीनविच में जब दोपहर के 12 बजे हों तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। दोस्तों इसके बारे में अगर आप पूरी जानकारी डिटेल में चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आप जानते हैं सूरज की सबसे ऊपरी परत या सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, इसका जवाब है कोरोना। जी हां, सही सुना आपने, कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय सूरज के दिखाई देने वाले भाग को कोरोना कहा जाता है। दोस्तों ऐसी ही अनेक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।